अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर मंडी फरखाबाद में मैं आज मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह घोड़े जो है वो रेड़ों में भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रेड़े से जुड़े हुए हैं, तो कदे कदे पंजाबी जबान से आ जाती, कदे कदे उर्दू आ जाती है, तो पंजाबी से ज़्यादा गल करने हैं। इत्थे रेड़ियां दे विच भी जानवर आए हुए हैं, तो टांगियां दे विच भी आए हुए हैं, पिट सवारी भी आए हुए हैं, तो इत्थे तुहानूं दिखाने आ कि रेड़े दे विच जिहड़ा जानवर है उहदा मुल की है, रेड़े दे विच जोड़िया होया ते खाली जिहड़ा पिट सवारी च जानवर हैगा उहदा रेट की है। तो अज तुहानूं मैं दिखाना, मालक नाल गल कराने आ कि इहदे पैसे ए घोड़े दे ते ए रेड़े दे किन्ने पैसे वो मंग रहे हैं। तो चलो इंशाल्लाह ताला वीडियो शुरू करने आ। इस तरह की वीडियो वेखन वास्ते साढ़े चैनल को सबसक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट के जरूर दसना है कि तुहानू जानवर कैसे लगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। लो जी नाज़रीन, फरखाबाद दे विच हाजी अब्दुल रशीद जो है यहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने बताया कि मेरा काम ही यहाँ पर जद्दी पुश्ती यही है घोड़ों का, और यहाँ पर कुछ हम घोड़े यहाँ पर लेकर और बेच देते हैं और कुछ जो घोड़े हैं उनको खुद इस्तेमाल भी करते हैं। और ये हाजी साहब के पास यहाँ पर ये रेड़ा है, मैं आपको रेड़ा दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर कई किस्म के रेड़े होते हैं, यहाँ पर ऐसा भी रेड़ा चलता है ये वाला, और इसके ऊपर छोटी सी गद्दी उन्होंने रखी हुई है और गद्दी के अंदर ये घोड़ा है। और हाजी साहब से पूछते हैं कि ये घोड़ा कितने का है और इसकी क्या प्राइस कितने मांगते हैं। हाजी साहब ज़रा बताइएगा कि ये घोड़ा कितनी उम्र का है? उम्र 6 साल है। 6 साल का है, ठीक हो गया। और घोड़े की उम्र जड़ी है जवानी दी? वो उम्र कोई नहीं, आजकल खुराक की उम्र होती है, जेड़ा पाएगा वो घोड़े की उम्र कोई नहीं होती। ठीक है, यानी घोड़ा का बुढ़ा होता ही नहीं, जेड़ा ना पाएगा वो फिर घोड़ा लंबा पै जाएगा, वो घोड़ा लंबा पै जाएगा। ते ऐ जेड़ा हैगा घोड़ा इंदी किन्नी कि स्पीड? ए दुड़की चलदा, स्पीड वाला नहीं गा, दुड़की मजदूर कर, मजदूरी वाला घोड़ा, मजदूरी वाला है। लेकिन फिर भी अगर मोटरसाइकिल दी 30 दी स्पीड होए के दुड़की करेगा? 25 लगा जांदा, 25 30 इंदी स्पीड है। ठीक है, लो जी इंदी स्पीड जेड़ी है मोटरसाइकिल दे उत्ते ओही 25 30 अगर मोटरसाइकिल स्पीड दे नाल चले ते ए दुड़की जेड़ी है ओ 25 30 दी स्पीड मार लेगा। ते माशाल्लाह खूबसूरत घोड़ा है, उन्हें हाजी साहब दे नाल गल करने आ कि इस घोड़े की कीमत वगैरह। अच्छा हाजी साहब, ये दस्या जे कि घोड़ा जिहड़ा है ये रेड़े दे विच वेचदे पै जे कि खाली घोड़ा ही वेचोगे? रेड़ा विक जाए, घोड़ा विक जाए, करना ते मजदूरी है। बिल्कुल ठीक है, ते तुसीं ये दसो कि खाली जिहड़ा घोड़ा हैगा 1,20,000 मंगणे आ। अच्छा, रेड़ी दा 60,000 मंगणे, 60,000 रुपए दी रेड़ी ते 1,20,000 घोड़े दा। अच्छा, ते जे जोड़ा जिहड़ा लवे ते 1,50,000 दा आ जांदा, 1,40,000 दा आ जांदा, जिसदा गाहक दा वेख्या रख बारी। हाज साहब नज़रा अपना कॉन्टैक्ट नंबर दसो कि अगर किसी ने चाहिए हो तो रबता कर लेगा, कि नंबर शंबर थोड़ा की हैगा जे? मेरा जी, हाँ जी, 0301 4056 583। तो हाज साहब ये तो थोड़ा नंबर हो गया, तो रिहायश थोड़ी इतें ही है? कामरान पार्क 12 रोड, कामरान पार्क, कामरान पार्क 12 गली नंबर 5। अच्छा हाज साहब, जरा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਗੜ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 40 ਸਾਲ ਟਾਂਗਾ ਵਾਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਸਵਾਨੀ ਸਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਉੱਡਿਆ ਇਹ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲਾ ਇਹ ਨਿਕਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਡਕ ਰਕਸ਼ਾ, ਉਹ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦਾ 1,500, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 600 ਦੇ ਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੰਮ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਚੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਿਆਸਤ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉੱਥੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇੜਾ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਜੀਏਗਾ। ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੇੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਔਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫਰਖਾਬਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੋੜਾ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਵਾਲਾ ਟੋਕਾ, ਲਓ ਜੀ ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਿਆਬ ਔਰ ਬੜੇ ਨਸਲੀ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।